वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम बच्चे आज हम लोग नीट ए आई टी एस फुल टेस्ट फाइव केमिस्ट्री का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन से स्टार्ट है तो देखो फिफ्टी वन नंबर क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है स्टेटमेंट वन बोल रहा है हमारे पास हेजनबर्ग अनसर्टेन्ट्री प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर सब एटोमिक पार्टिकल सही है हेजनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल जो है वेरी स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन के लिए अप्लीकेबल होता है ठीक है अब स्टेटमेंट टू जो है अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेटी प्रिंसिपल स्टेटमेंट बताया है एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड यही तो गड़बड़ हो गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजिशन और एग्जैक्ट मोमेंटम किसी भी सब सबेटोमिक पार्टिकल का सेम टाइम पे एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता ये बोल रहा है कैन बी डिटरमाइंड इसीलिए स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है और वन जो है करेक्ट है तो वन इज ट्रू टू इज फॉल्स सेकेंड ऑप्शन है तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट इन नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो अब इसमें कैलकुलेशन करते टाइम हम लोग नंबर ऑफ एटम्स के बदले अगर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एटम निकाल दें तो भी आंसर आ जाएगा हमारे पास तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें 48 ग्राम ऑक्सीजन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल लो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का नहीं एटम दिया है तो डायरेक्ट एटम का निकाल लेते हैं 48 एट डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास दैट इज मोलर मास 16 होता है तो 48 एट बाई सिक्सटीन विच विल बी इक्वल टू थ्री मोल सेकेंड पार्ट में 48 ग्राम O2 मॉलिक्यूल तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 का निकाल लेते हैं 48 एट अपॉन ओ का मोलर मास 32 हो जाएगा मोल आ गया अब यहाँ से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल सकते हैं फिर से हम लोग तो एक O2 मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम होते हैं तो 48 एट अपॉन थर्टी में क्या होगा इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो टू से ये सिक्सटीन कैंसिल हो जाएगा सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट ये भी थ्री मोल हो गया दोनों इक्वल हो गए अब थर्ड पार्ट देखते हैं थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया है फोर्टी एट ग्राम ओजोन तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन निकाल लेते हैं फोर्टी एट बाय ओजोन का मोलर मास फोर्टी एट होता है तो फोर्टी एट बाई फोर्टी एट वन मोल हो गया अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम चाहिए ऑक्सीजन एटम तो एक ओजोन में तीन ऑक्सीजन एटम है तो एक मोल में थ्री मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे तो वन टू थ्री तो सेम हो गया आंसर तो फोर ही हो जाएगा फिर ठीक है तो फोर्थ देखते हैं फाइव मोल ओ टू है इसमें तो मोल ही दे दिया निकालने की जरूरत ही नहीं है फोर मोल फाइव मोल ऑक्सीजन तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है मॉलिक्यूल तो निकाल दिया है तो एक मॉलिक्यूल में दो एटम है तो फाइव मोल मॉलिक्यूल में टेन मोल एटम हो जाएंगे तो सबसे ज़्यादा टेन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा फिफ्टी थ्री नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब फिफ्टी थ्री में बोला है द रेशियो ऑफ़ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ थाउजेंट एंगस्ेस्ट्रम वेवल्थ टू दैट ऑफ फोटोन ऑफ टू थाउजेंट एंगेस्ट्रम वेब लेंथ इज तो एनर्जी का रेशियो थाउजेंट वाले को मान लो ई वन और टू थाउजेंट वाले को ई टू मान लेते हैं ई वन और ई टू का रेशियो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लेमडा तो फर्स्ट में लेमडा थाउजेंट एंगेस्ट्रम में ही रहने देते हैं और सेकेंड वाले का एच सी अपॉन लेमडा टू थाउजेंट है ये भी अंगेस्टर्म में ठीक है एच सी एच सी कैंसिल टू थाउजेंट ऊपर जाएगा टू थाउजेंड अपॉन वन थाउजेंड तो थ्री जीरो थ्री जीरो कैंसिल टू अपॉन वन दैट इज टू रेशियो वन सेकेंड ऑप्शन है तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट फिफ्टी फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं फिफ्टी फोर में एसरसन एंड रीजन दिया हुआ है एसरसन है द डिफरेंस बिटवीन सी पी एंड सी वी इज आर एकदम करेक्ट है सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर होता है और अगर रेशियो निकालें तो सी पी अपॉन सी वी इक्वल्स टू गामा होता है तो ये फर्स्ट एसरसन करेक्ट है सी पी इज द हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सी पी प्रेशर पर हीट कैपेसिटी है सी जो है हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ये भी सही है दोनों का स्टेटमेंट करेक्ट है बट जो रीजन में स्टेटमेंट बोला है ये इन इन्होंने बता दिया सी पी और सी क्या है ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है सी पी माइनस सी बी इक्वल्स टू आर क्यों होता है तो एसरसन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बोथ आर ट्रू बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन एसरसन तो बोथ एसरसन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरसन सेकेंड ऑप्शन इसका आ जाएगा नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन हम हम लोग देखते हैं 55 में देखो जो 55 नंबर क्वेश्चन है इसको अगर ध्यान से देखोगे तो कॉलम वन और कॉलम टू है इसमें पी और क्यू जो दिया है इसे सॉल्व करना पड़ेगा टेन का पावर माइनस एट मोलर एच तो कंसेंट्रेशन ऑफ एच कम है तो वाटर के कारण इसमें कॉमन आइन इफेक्ट लगेगा ठीक है और इससे अगर आपने सॉल्व किया होगा तो देखा होगा 6.9 पॉइंट नाइन आंसर इसका आता है तो 6.9 देखो आ ही रहा है एक ही पार्ट में ये हम लोग सॉल्व करते हैं ठीक है वैसे अगर इसके बदले कुछ और कंसंट्रेशन दिया होता है हम लोग सॉल्व नहीं किए होते तो कैसे सॉल्व करेंगे ये दोनों तो सॉल्व करने में टाइम लगेगा ज़्यादा टाइम लगेगा इसको कॉमन आइन इफेक्ट से तो हम लोग क्या करेंगे जो फैक्चुअल डाटा दिया है पी एच ऑफ ह्यूमन ब्लड ह्यूमन ब्लड जो है हमारा बेसिक होता है बेसिक होने के कारण इसका सेवन से ज़्यादा पी एच होगा फोर तो देखो आर का फोर दो में आ गया आर का फोर पी एच ऑफ मिल्क थोड़ा एसिडिक होता है सिक्स पॉइंट एट होता है इसका पी एच सिक्स पॉइंट एट सेकेंड सेकेंड ऑप्शन है यहाँ से कर सकते हैं या अब इस दोनों को भी आप नोमेडिकली सॉल्व कर सकते हो ये इसका कॉमन आइन इफेक्ट्स लगेगा पी एच टेन का पावर माइनस टू मोलर एसिडिक एसिड के ए का वैल्यू दे दिया है तो कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस निकाल लो स्क्वायर रूट के ए इंटू सी से अगर क्यू का निकालो तो पहले देखो क्यू पी का तो ज़्यादा टाइम लगेगा क्यू का निकाल लेते हैं पहले के ए इंटू सी तो स्क्वायर रूट के ए का वैल्यू क्या है वन पॉइंट सिक्स टेन का पावर माइनस फाइव और सी है टेन का पावर माइनस टू ये मोलर हो जाएगा तो रूट वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन का पावर माइनस सेवन मोलर रूट निकालने के लिए इसको मैं सिक्सटीन कर देता हूँ टेन का पावर माइनस एट मोलर ठीक है तो सिक्सटीन का रूट फोर हो गया टेन का पावर माइनस फोर मोलर अब पी एच निकालेंगे ये कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस डायरेक्ट ही लो ठीक है मिटा के लिख देता हूँ कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन ठीक है तो अब यहाँ से पी एच क्या हो जाएगा माइनस लॉग बेस टेन फोर इंटू टेन का पावर माइनस फोर तो क्या आ जाएगा माइनस लॉग बेस टेन फोर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा लॉग बेस टेन टेन का पावर माइनस फोर ठीक है तो लॉग फोर टू लॉग टू होगा तो जीरो पॉइंट सिक्स जीरो टू ज़ीरो ये माइनस फोर इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस फोर लॉग टेन की वैल्यू वन तो फोर माइनस जीरो पॉइंट सिक्स जीरो टू जीरो तो थ्री पॉइंट समथिंग आएगा थ्री पॉइंट समथिंग फर्स्ट ऑप्शन है तो क्यू का फर्स्ट ऑप्शन देख लो क्यू का फर्स्ट ऑप्शन किसमें है एक ही ऑप्शन है सेकंड में यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हो तो इसमें ये नहीं पहले चारों को निकालेंगे फिर आंसर चेक करेंगे एक एक देख के देख लेंगे अगर एक में ही आंसर है तो वही आ गया अदरवाइज नेक्स्ट वाला सॉल्व करके चेक करेंगे नेक्स्ट फिफ्टी नंबर क्वेश्चन रेडॉक्स रिएक्शन का है इसमें क्या बोला गया इन द बैलेंस्ड इक्वेशन ये रिएक्शन अगर बैलेंस करेंगे तो एक्स और क्यू क्या होगा तो देखो रिएक्शन हमारा दिया हुआ है एच एन ओ थ्री प्लस एच टू एस एन ओ प्लस एस प्लस वाटर तो याद एक तो तरीका है इसको बैलेंस करके निकालेंगे एक और तरीका है जो कि हमने पिछले टेस्ट में दो तीन टेस्ट में आया था उस टाइप का क्वेश्चन तो डिस्कस किया था लेकिन वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर देना क्योंकि उसमें हम लोग मोल कैलकुलेट करते हैं अगर एक का दिया हुआ है इसमें मोल कैलकुलेट नहीं करना है इसमें डायरेक्ट बैलेंस करके ही लिखना पड़ेगा तो इसमें हमें बैलेंस करके ही लिखना है इसमें ग्राम इक्वेलेंट इक्वेट नहीं करना जैसा कि हमने पिछले दो पेपर में बताया था क्योंकि उसमें एक का मोल दिया होता था दूसरे का कंपेयर करके निकालना होता था ग्राम इक्वेलेंट इक्वल करके भी बता सकते थे और बैलेंस करके भी बता सकते थे लेकिन इसमें बोल रहा है बैलेंस करके ही बताना पड़ेगा क्योंकि मोल तो दिया हुआ नहीं है तो बैलेंस करने के लिए देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर का, का, NO का प्लस टू आएगा सल्फर का, यहां पे जीरो, तो नाइट्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन ठीक है अब एच एन ओ थ्री है तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उसको बैलेंस करते हैं यहां पे नाइट्रोजन एक है यहां भी एक है ऑलरेडी बैलेंस सल्फर एक और एक ऑलरेडी बैलेंस है तो नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है तो अब हम लोग क्या करेंगे चेंज देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में नाइट्रोजन का प्लस फाइव से कहाँ जा रहा है प्लस टू तो क्या हो रहा है बच्चे डिक्रीज हो रहा है प्लस फाइव से प्लस टू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कितना से डिक्रीज़ हो रहा है थ्री से और सल्फर का क्या हो रहा है माइनस टू से जीरो जा रहा है तो क्या हो रहा है बच्चे इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है कितना से इंक्रीज़ हो रहा है बच्चे टू से तो थ्री और टू को कैसे इक्वल करोगे इसको थ्री से मल्टीप्लाई इसको टू से मल्टीप्लाई इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो जहाँ जहाँ सल्फर है वहाँ थ्री लगा दो जहाँ जहाँ एच एन थ्री है वहाँ वहाँ टू लगा दो एन है सॉरी एच एन ओ थ्री ना एन है तो एच एन थ्री में एन है टू एच एन ओ थ्री थ्री एच टू एस गेप्स एन ओ एन में टू लगाया टू एन ओ ठीक है सॉरी हाँ सल्फर में थ्री लगाया थ्री एस प्लस वाटर यही आ जाएगा अब देखना है हमें चार्ज चार्ज दोनों साइड टू टू ही है ऑलरेडी बैलेंस है ऑक्सीजन देखो यहाँ सिक्स है इधर टू है तो फोर वाटर करना पड़ेगा टू प्लस फोर सिक्स हो गया हाइड्रोजन देखो सिक्स और टू एट है यहाँ एट है फोर टू जा ऐट हो गया तो इक्वल हो गया अब देखो रिएक्शन में हमें क्या पूछा है एक्स एंड क्यू की वैल्यू तो एक्स एच एन ओ थ्री का कोफिशियंट है और क्यू एस का है तो एच एन ओ थ्री का कोफिशियन टू है और एस का थ्री है तो टू एंड थ्री इसका आंसर होगा जो कि फोर्थ ऑप्शन है इसीलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट आ फिफ्टी सेवन नंबर क्वेश्चन तो फिफ्टी सेवन नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन में हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ जीरो पॉइंट टू मोलर एन ई ओ एच रिक्वायर्ड टू मेक थ्री लीटर जीरो पॉइंट वन मोलर एन एच तो जीरो पॉइंट टू मोलर एन का वॉल्यूम क्या होगा अगर उसको थ्री लीटर जीरो पॉइंट वन मोलर में बनाए तो मतलब डाइल्यूशन का क्वेश्चन है और डाइल्यूशन में हम लोग मोलरिटी इक्वेशन लगाते हैं क्या लगाते हैं एम वन वी वन इक्वल्स टू एम टू वी टू एम वन की वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में जीरो पॉइंट टू वी वन हमें कैलकुलेट करना है एम टू हमें बोल रहा है जीरो पॉइंट वन और वी टू दिया है थ्री तो यहाँ से वी वन की वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट वन इंटू थ्री अपॉन ज़ीरो पॉइंट टू ठीक है तो ये क्या हो जाएगा थ्री ए टू दैट इज़ वन पॉइंट फाइव तो वन पॉइंट फाइव लीटर थर्ड ऑप्शन है तो फिफ्टी सेवन का थर्ड पार्ट हमारा करेक्ट होगा नेक्स्ट फिफ्टी एट नंबर क्वेश्चन है मोलेलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज जीरो पॉइंट वन अब इसका वैसे तो फार्मूला भी होता है डायरेक्ट लेकिन हमने बोला था अगर याद नहीं रही फार्मूला तो डेफिनेशन से सॉल्व कर लेना तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया यू लिखता हूँ शॉर्ट में दिया है ज़ीरो पॉइंट वन तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया का फॉर्मूला क्या होगा मोल ऑफ यूरिया अपॉन मोल ऑफ यूरिया प्लस सॉल्वेंट कौन है एक्वस मतलब वाटर इसकी वैल्यू दी हुई है जीरो पॉइंट वन को वन बाई टेन लिख देते हैं अब कंपेयर करो अगर हमारा मोल ऑफ यूरिया वन मोल होगा तो मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा टेन मोल तो यूरिया इसमें वन है तो यहाँ से मोल ऑफ वाटर हमारे पास आ जाएगा नाइन मोल ठीक है अब देखो हमें क्या निकालना है मोलेलिटी मोलेलिटी में हमें मोल चाहिए सॉल्यूट का सॉल्यूट यूरिया है आ गया मास चाहिए सॉल्वेंट का किलोग्राम में मोल आ गया सॉल्यूट सॉल्वेंट का तो अब मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर मोल इंटू मोलर मास 18 ग्राम तो अठारह नंबर वन सठा वन सिक्सटी टू ग्राम हो गया किलोग्राम में थाउजेंड से डिवाइड कर दो जीरो पॉइंट वन सिक्स टू किलोग्राम हो जाएगा तो अब डायरेक्ट हम लोग मोलिटी निकाल सकते हैं मोल ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी तो ये हो जाएगा मोलल अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके ये हमारे पास आ रहा है सिक्स पॉइंट वन सेवन मोल जो कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा तो फिफ्टी नाइन क्वेश्चन बोल रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल्स ए बी सी ए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा क्योंकि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है कुछ नहीं बोला है तो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल ए का दिया है बी का दिया है सी का दिया है रिड्यूसिंग पावर रिड्यूसिंग पावर का मतलब है रिड्यूसिंग पावर का मतलब है ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा किसकी होगी जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगी सबसे कम है ए की फिर बी की फिर सी की तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम ए का है तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा ए की होगी उससे कम बी उससे कम सी तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है हमारे पास नेक्स्ट इफ द डेनियल सेल इज़ नॉट वर्किंग एट स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट कौन सा करेक्ट होगा डेनियल सेल वर्क नहीं कर रहा है वर्क नहीं कर रहा है मतलब ई नॉट सेल की वैल्यू लेस देन जीरो होगी या जीरो होगी तो ज़ीरो वाली तो कोई ऑप्शन नहीं है लेस देन जीरो वाला देखो कौन कौन सा ऑप्शन है लेस देन जीरो ये दोनों तो ग्रेटर देन है कैंसिल ये दोनों लेस देन जीरो है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है माइनस एन एफ ई नॉट ठीक है ई e नॉट अगर नेगेटिव है तो माइनस माइनस पॉजिटिव ये पॉजिटिव होना चाहिए तो ये दोनों देखो पॉजिटिव किस में है इसी दोनों में है दोनों में है तो अब यहाँ से हमें इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बताना पड़ेगा तो ये बताने के लिए हमें डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला जो नर्स्ट इक्वेशन से आता है माइनस आर टी एल एन के डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के ठीक है तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आने के लिए आर ओ टी ये वाला वैल्यू क्या है निगेटिव है तो ये पॉजिटिव कब आएगा जब इसमें से कोई भी एक टर्म नेगेटिव हो तो आर ओ टी तो हमेशा पॉजिटिव होता है एल एन के नेगेटिव कब होगा जब के की वैल्यू फ्रैक्शन में होगी वन से कम होगी तो के की वैल्यू वन से कम थर्ड ऑप्शन है तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट सिक्सटी वन नंबर क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन गिवन है डी बाई डी टी एन एस थ्री का वैल्यू दिया है वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एन टू रेट ऑफ़ डिसपियरेंस ऑफ एन टू का मतलब है माइनस डी एन टू बाई डी टी की वैल्यू आपको पूछा गया है ठीक है तो डिसअपियरेंस है इसीलिए निगेटिव तो रेट ऑफ़ रिएक्शन इस रिएक्शन का निकालते हैं पहले सिक्सटी वन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा माइनस डी एन टू अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री डी एच टू अपॉन डी टी इक्वल्स टू प्लस वन बाई टू प्रोडक्ट में है तो प्लस लेंगे डी एन एस थ्री अपॉन डी टी तो हमें डी एन टू माइनस डी एन टू अपॉन डी टी निकालना है और क्वेश्चन में डी एन एस थ्री अपॉन डी टी का वैल्यू दिया है तो इस दोनों को कंपेयर करो तो माइनस डी एन टू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा हाफ इंटू डी एन एस थ्री बाई डी टी की वैल्यू है सिक्स इंटू टेन का पावर माइनस थ्री सिक्स इंटू टेन का पावर माइनस थ्री तो टू से इसको कट कर दो थ्री इंटू टेन का पावर माइनस थ्री आ जाएगा तो थ्री इंटू टेन का पावर माइनस थ्री थर्ड ऑप्शन है इसीलिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट सिक्सटी टू नंबर क्वेश्चन है व्हेन फेनीटोल फेनीटॉल बोलते हैं इथॉक्सी बेंजीन को फेनीटोल का मतलब है इथॉक्सी बेंजीन बेंजीन है इसके साथ इथॉक्सी ग्रुप ओ सी टू एच फाइव रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड एच आई वन इक्वेलेंट वन एक मतलब एक ही बार रिएक्शन करना है तो क्या होगा ये जो ओ है ये एच पे अटैक करेगा अब देखो ये वाला बॉन्ड इधर से नहीं टूटेगा क्यों नहीं टूटेगा क्योंकि फिनाइल कार्बो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और ये प्राइमरी है तो प्राइमरी होने के कारण इसमें एस एन टू रिएक्शन होगा आयोडाइड इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा बेंजीन के साथ ओ के साथ एच आ जाएगा और इथाइल के साथ आयोडाइड आ जाएगा सी टू एच फाइव आई तो इथाइल आयोडाइड और फिनोल ये वाला ऑप्शन देखो किस में आ रहा है आ, फिनोल एंड आइडो इथेन सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा नेक्स्ट सिक्सटी थ्री नंबर क्वेश्चन है द ईथर इज मोस्ट डिफिकल्ट टू क्लिव्ड बाय एच आई कौन ईथर क्लिव्ड नहीं होगा तो जिसमें दोनों बेंज, बेंजीन रिंग हो जाएगा दोनों बेंजीन रिंग होने से देखो क्या हो जाएगा ये इस पर अटैक करेगा ठीक है अब आयोडीन इस पर ईजिली अटैक भी नहीं कर पाएगा क्योंकि रेजोनेंस के कारण इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर होता है न्यूक्लियर फ्लिक सबस्टेशन ईजिली नहीं देगा और ना ही एस एन वन दे के ये कार्बोकेटाइन ईजिली बनाएगा क्योंकि फिनाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है तो ये जो है ईजिली क्लीव नहीं करेगा ठीक है नेक्स्ट जो है सिक्सटी थ्री के बाद सिक्सटी फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब देखो जो क्वेश्चन है कंसिडर दी फॉलोइंग कंपाउंड द कंपाउंड्स विच विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डोल के लिए सबसे पहले कार्बोन ग्रुप होना चाहिए तो एल में भी है कीटोन में भी है एल है एल है अब अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी थ्री अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसमें भी सिक्स अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसमें वन अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसमें एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है इसीलिए एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा तो इसका फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा नेक्स्ट सिक्सटी फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा और जो लास्ट पेपर में था हमने लास्ट पेपर में एक चीज़ और देखा था अगर एक हाइड्रोजन हो तो इसे एल्डोल देने की टेंडेंसी कम हो जाती है एक होने से एल्डोल देने की टेंडेंसी कम हो जाती है तो थर्ड वाला पार्ट भी एल्डोल इजीली नहीं दे पाएगा तो देखो फोर्थ वाला एक ही भी ऑप्शन नहीं है तो थर्ड एंड फोर्थ दैट इज़ सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा इसका ठीक है सिक्सटी देखो अब सिक्सटी नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब 65 नंबर क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास एसी टो नाइट ट्रायल एसी टो नाइट्रायल क्या होगा सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड ऑन रिएक्शन विथ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पी एच एम जी बी आर लिख रहा हूँ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में इस पर निगेटिव इससे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा ये इधर शिफ्ट होगा ये इधर शिफ्ट होगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें ग्रिगनाइ रिएजेंट है तो ड्राई ड्राईथर के प्रेजेंस में करेंगे सी एस थ्री सी इसके साथ फिनाइल आ जाएगा ठीक है और एक डबल बॉन्ड एन एम जी बी आर आ जाएगा एन पे माइनस है तो एम जी बी आर अब इसकी जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो एच प्लस आएगा एन पे ओ एच सी पे डबल बॉन्ड है तो दो एच आ जाएगा एन पे तो ये बन जाएगा एम जी बी आर एन के साथ दो एच और कार्बन कार्बन के साथ दो ओएच आएगा और सेम कार्बन पे दो ओ एच आए तो वाटर को एलिमिनेट करके डबल बॉन्ड ओ बना लेता है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग एसिटोफिनोन एसिटोफिन हमारा सेकेंड ऑप्शन में है इसीलिए इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट सिक्सटी सिक्स नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ये हमारे पास मॉलिक्यूल दिया हुआ है और पूछा गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ देखो इसका जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में जा रहा है इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा बेंजाइलिक है इसका भी जो लोन पेयर है वो भी रेजोनेंस में जाएगा ये भी रेजोनेंस में जा रहा है लोन पेयर तो वन और फोर की जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी इसका तो डायरेक्ट रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो रहा है तो सबसे कम जो है हमारा इसी का हो जाएगा ठीक है सबसे कम हमारा इसका हो जाएगा क्या नाम है फोर्थ सबसे कम फोर्थ देखो तीन तीन ऑप्शन है एक कट गया ठीक है और फोर के बाद किसका आएगा जो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है फर्स्ट फोर के बाद फर्स्ट किस में है ये कट गया अब थर्ड और सेकेंड में किसका ज़्यादा होगा ये हमें ये चेक करना है तो थर्ड और सेकेंड में देखो सेकेंड में जो लोन पेयर है ये इस कार्बन से अटैच्ड है जो sp3 कार्बन है जो प्लस आई का, का काम करेगा और इसमें जो नाइट्रोजन है खुद भी sp2 है लोन पेयर एस पी टू नाइट्रोजन आइटम के साथ है इसमें एस पी थ्री नाइट्रोजन आइटम के साथ है और दूसरा इसके साथ डबल बॉन्डेड कार्बन एस पी टू कार्बन अटाज है जो माइनस आई का काम करेगा और माइनस आई ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बेसिसिटी डिक्रीज करेगा तो थ्री का टू से कम होगा तो थ्री का टू से कम देखो किस में सेकेंड ऑप्शन में है तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा नेक्स्ट सिक्सटी सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ विच ऑफ़ the फॉलोइंग रिए रिएजेंट ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा ठीक है तो देखते हैं तो ग्लूकोज जो है बच्चे टॉलेंस रिएजेंट से भी रिएक्शन करता है हाइड्रोक्साइल एमाइन से भी ऑक्जाइम बनाता है टॉलेंस रिएजेंट से भी ऑक्सीडेशन करता है ब्रोमीन वाटर से भी ऑक्सीडेशन करता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ग्लूकोज जो एक्चुअली में होता है हावर्थ स्ट्रक्चर में वो फ्री एल ग्रुप नहीं होता है इसीलिए सोडियम बायसल्फ़ाइड से ये रिएक्शन नहीं करेगा नेक्स्ट सिक्सटी एट नंबर है अब इसमें देखते हैं ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाई जल मेथड अमोनिया इवोल्व फ्रॉम वन ग्राम कंपाउंड टोटल मास कंपाउंड का दिया है वन ग्राम इज न्यूट्रलाइज्ड बाय ट्वेंटी एम एल जीरो पॉइंट फाइव मोलर एस टू एस ओ फोर तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है तो अमोनिया को कौन न्यूट्रलाइज़ कर रहा है पहले अमोनिया का मास निकालना पड़ेगा अमोनिया को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है तो या तो ग्राम इक्वैलेंट इक्वेट करके बना सकते हैं या आप चाहो तो मोल निकाल के भी बना सकते हो रिएक्शन को बैलेंस करके ये रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट बनाएगा तो अमोनियम सल्फेट में दो अमोनिया चाहिए एन एच फोर हो जाएगा दो हाइड्रोजन देके सल्फ़ेट तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है कितना जीरो पॉइंट फाइव मोलर ट्वेंटी एम एल तो मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो जाएगा मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा हमारे पास मोलेरिटी इनटू वॉल्यूम वॉल्यूम है ट्वेंटी एम लीटर में थाउजेंट हो जाएगा तो बीस पंच सौ पचास हो जाएगा इसका पॉइंट हटा देंगे तो नीचे टेन तो फाइव जा फिफ्टी तो वन बाय हंड्रेड मोल हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड से डबल अमोनिया होना चाहिए तो मोल ऑफ अमोनिया इसका मतलब क्या होगा इसका डबल टू बाय हंड्रेड मोल होगा ठीक है अब अमोनिया का मोल निकल गया तो मास ऑफ अमोनिया निकाल सकते हैं हम लोग मास ऑफ अमोनिया क्या होगा मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे टू बाय हंड्रेड अमोनिया का मोलर मास कितना होगा नाइट्रोजन का फोर्टीन प्लस थ्री सेवेंटीन ग्राम तो थर्टी फोर बाय हंड्रेड ग्राम हो गया अमोनिया का मोलर मास अब देखो नाइट्रोजन निकालना है एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन तो सेवनटीन ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन तो एक ग्राम अमोनिया में फोर्टीन अपॉन सेवनटीन ग्राम नाइट्रोजन होगा यही होगा तो हमारे पास थर्टी फोर बाय हंड्रेड ग्राम अमोनिया है तो नाइट्रोजन कितना होगा फोर्टीन बाय सेवेंटीन इंटू थर्टी फोर बाय हंड्रेड ग्राम तो सेवनटीन टू जा थर्टी फोर होता है फोर्टीन टू जै ट्वेंटी एट बाई हंड्रेड जीरो पॉइंट टू एट ग्राम लिख देता हूँ ठीक है अब परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज क्या होगा जो नाइट्रोजन का मास आया है इसको हम लोग टोटल मास से डिवाइड कर देंगे टोटल मास वन ग्राम है इंटू हंड्रेड परसेंट तो ज़ीरो पॉइंट टू एट इंटू हंड्रेड ट्वेंटी एट परसेंट तो इसका आंसर ट्वेंटी एट आ जाएगा नेक्स्ट सिक्सटी नाइन नंबर क्वेश्चन है हमारे पास सिक्सटी नाइन में बोला है द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड क्लोरीन इन सी एल एफ़ थ्री के एराउंड कितने बॉन्ड पेयर और लॉन्ड पेयर होगा ये हमें बताने हैं पहले क्या बोल रहा है पहले बॉन्ड पेयर ठीक है तो बॉन्ड पेयर और पेयर क्लोरीन के एराउंड हमें बताने हैं ठीक है तो क्लोरीन सी एल एफ थ्री के पास सेवन इलेक्ट्रॉन होता है थ्री फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा टी सी स्ट्रक्चर होता है उसका बेंट रूल से और दो लोन पेयर बचेंगे क्योंकि सेवन इलेक्ट्रॉन में तीन बॉन्ड पेयर तीन बॉन्ड बना लिया तो चार इलेक्ट्रॉन चार इलेक्ट्रॉन मतलब दो लोन पेयर तो थ्री पेयर और टू लोन पेयर हो गया तो थ्री पेयर टू लोन पेयर ऑप्शन देखो फोर्थ में है थ्री एंड टू नेक्स्ट सेवेंटी नंबर क्वेश्चन ओ टू प्लस का बॉन्ड ऑर्डर तो देखो बच्चे हमने बताया था बॉन्ड ऑर्डर थ्री होता है जब इलेक्ट्रॉन्स फोर्टीन होता है अब O2 टू प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है O2 में हो गया एट टू या सिक्सटीन में से एक दे दिया 15 अब 14 से एक ज़्यादा हो गया 15 तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 फाइव माइनस हो जाएगा 2.5 तो इस तरह से हम लोग इसे निकाल सकते हैं 70 का 2.5 पॉइंट फाइव बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा नेक्स्ट 71 वन बोरन सोज डायग्नल रिलेशनशिप विथ बोरोन का डायग्नल एलिमेंट कौन है एलुमिनियम बोरोन का डायगनल एलिमेंट यही है ना एलुमिनियम बोरोन बोरोन आ जाएगा आपका बोरोन फैमिली बोरोन सॉरी एलुमिनियम नहीं है बोरोन का पूछा बेरेलीम का एलुमिनियम होता है ये मिस्टेक कर दिया हमने बोरन के नीचे एलुनियम आता है बोरन के बाद आता है कार्बन सिलिकन तो बोरोन का डायगनल एलिमेंट सिलिकन आ जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा बोरोन का डायग्नल एलिमेंट जो है हमारा सिलिकन होगा तो सेवनटी वन का थर्ड पार्ट करेक्ट होगा नेक्स्ट सेवेंटी टू नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग तो ये सेवेंटी टू देखेंगे सेवेंटी वन ये था हमारा सेवेंटी टू में देखो है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड एमंग द फॉलोइंग तो हमने बच्चे पढ़ा है जो एसिडिक नेचर है एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई ग्रुप के डायरेक्टली होता है माइनस एम ग्रुप के इन्वर्सली होता है प्लस आई ग्रुप के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम ग्रुप के तो देखो ओ एच OH सब में है इसमें कोई ग्रुप नहीं है एन ओ टू और पेरा पे माइनस एम इफेक्ट साइनाइड माइनस एम इफेक्ट और ये माइनस आई इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट इज स्ट्रांगर देन माइनस आई इफेक्ट माइनस एम से सॉरी माइनस एम जो है माइनस आई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो ये तो होगा नहीं इसमें कोई निगेटिव वाला नहीं है अब इस दोनों में जो नाइट्रो है इट इज स्ट्रोंग माइनस एम ग्रुप क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रो कार्बन से ज़्यादा होती है इसीलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर सेकेंड की होगी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई इफेक्ट इज सोन बाय प्लस आई इफेक्ट सी एच थ्री देगा सी एच टू देगा ओ OH एच नहीं देगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो ज़्यादा है और एक ओ माइनस भी देगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ओ माइनस इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो जाएगी तो ये सारे देंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन देंगे सी एस थ्री से ज़्यादा माइनस वाले का होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी अब सी एस टू माइनस ओ माइनस में सी एस टू माइनस का ज़्यादा होगा क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है ठीक है अब नेक्स्ट मैच करना है एक साइड रिएक्शन दूसरा रिएजेंट हाइड्रोजिनेशन हम लोग इसके साथ करते हैं एच टू के साथ निकल और पी डी पी टी लेते हैं अब यहाँ से ऑप्शन मैच कर लो एक का टू एक ही ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा डीहाइड्रोजिनेशन चेक करो तो एल्कोहलिक के ओ एच से डिहाइड्रेशन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं और हाइड्रेशन एच टू ओ एच प्लस दैट इज एच थ्री ओ प्लस के साथ करेंगे नेक्स्ट सेवेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन है विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टूवॉर्ड्स एस एन वन रिएक्शन एस एन वन रिएक्शन के लिए मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा तो एस एन वन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज़ कार्बोकेटाइन तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी तो देखो फर्स्ट में क्या बनेगा यहाँ पे नहीं बनेगा यहाँ पे बनता है यहाँ पे बनता है तो बेंजाइलिक बनता है दिस इज़ प्राइमरी यहाँ पे बी आर बेंजाइलिक है दिस इज बेंजाइलिक और उसमें भी सेकेंडरी है बेंजाइलिक के साथ साथ सेकेंडरी भी है ठीक है ठीक है अब दूसरा तीसरा देखो अब तीसरा में ये तो देगा ही नहीं सब्सटीट्यूशन ही नहीं देगा क्योंकि फिनाइल कार्बोकेटाइन की कार्� स्टेबिलिटी सबसे कम होती है ये बेंजाइल है तो प्राइमरी से ज़्यादा तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगा और बेंजाइल में भी सेकेंडरी है तो सबसे ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगा तो सबसे ज़्यादा एस एंड वन रिएक्शन सेकेंड पार्ट देगा अब नेक्स्ट सेवेंटी सिक्स से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे